डियर स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फेमस प्ले राइट हैंनरिक इब्सैन हू बिलोंग टू नॉर्वेनियन लिटरेचर प्रिय छात्रों सुभाग के नमस्कार आज मैं आपको नॉर्वे साहित्य नॉर्वेनियन साहित्य जो नॉर्वे की कंट्री का साहित्य है उसके प्रसिद्ध साहित्यकार हेनरिक इफ्सैन का परिचय देने जा रहा हूँ इससे पहले के सेशन में हमने हेनरिक इफ्सैन का जो इंट्रोडक्शन है उस उनकी बर्थ और पेरेंटेज बर्थ और पेरेंटेज मींस, उनका जन्म तिथि उनकी मृत्यु तिथि उनके माता पिता क्या करते थे पारिवारिक परिस्थिति कैसी थी इसके बारे में पढ़ाया था अब इस क्लास में मैं आपको हेनरिक इब्सैन के करियर संबंधी हेनरिक इब्सैन के जो करियर संबंधी थे जो उनकी जीवन के अंदर जो ऑक्यूपेशन था कि वो क्या एक फेमस प्ले राइट कैसे बनेंगे उससे संबंधित आगे परिचय देने जा रहा हूँ फर्स्ट प्लेस एंड डायरेक्टिंग जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हैंनरिक एप्सन पंद्रह वर्ष की आयु में ग्रिमस्टेड नामक एक छोटे से समुद्री गांव में जहां लगभग आठ सौ लोग रहते थे वहां एक वैद्य के यहां पर एक प्रशिक्षु की नौकरी में लग गए और रात की टाइम पर वो गहन अध्ययन करते थे ताकि यूनिवर्सिटी में उन्हें प्रवेश मिले यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो आगे पढ़ने की लालसा थी क्योंकि परिवार में जो पिताजी थे एक कभी ना ख़त्म होने वाली कंगाली से पीड़ित थे पैसे की प्रॉब्लम थी विशद प्रॉब्लम ऐसी स्थिति में हेनरी कैपेन अपने जो आराम के क्षण थे विश्राम के क्षण थे उनके अंदर कुछ नाटक को लिखने के लिए उस समय वो उसका उस समय का प्रयोग करते थे फर्स्ट प्ले एंड डायरेक्टिंग प्रथम नाटक और उसका निर्देशन दिस बर्क कैटिलेना एटीन फिफ्टीन कैटेन ग्रू आउट ऑफ द लेटिन टैक्सट इफ सैन हैड टू स्टडी फॉर इज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन दिस बर्क यह का कृति कैटिलेना अठारह सौ पचास में कैटिलाइन के नाम से इसको जाना था कैटिलइन ग्रू आउट ऑफ द लैटिन टैक्स्ट लेटिन टैक्सट जो लेटिन भाषा के अंदर लिखा हुआ होता है इफसैन हैड टू स्टडी फॉर इज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इफ्सैन को अपनी जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के अध्ययन के लिए लेटिन का अध्ययन करना पड़ा यानी लेटिन के अंदर जो कविताएं लिखी होती थी लेटिन के अंदर जो कृतियाँ उनका अध्ययन करना पड़ा दो नॉट ए वेरी गुड प्ले हालांकि जो कैटेलना है वो एक अच्छा नाटक नहीं है ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है नाटक इट शोड ए नेचुरल बेंट फॉर द थिएटर एंड एम्बोडीड थीम्स इट शोड ये केवल इतना दिखलाता है नाटक के अंदर ये नेचुरल बेंट के एक स्वाभाविक सा झुकाव लोगों का फॉर द थिएटर नाटक के प्रति स्वाभाविक सा झुकाव वो पाठकों के अंदर एंड एम्बोडीड थीम्स और थीम्स का जो है विषय वस्तुओं का प्रतीक भी है ये इसके अंदर बहुत सारी थोड़ी उसने थीम्स का प्रयोग किया है द रेवेलियस हीरो और विद्रोही जो नायक है हिज डिस्ट्रक्टिव मिस्ट्रेस और उसकी जो डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी जो वो है मिस्ट्रेस पत्नी कह लो उसको प्रेम का कह लो दैट वुड प्रो ऑक्युपाई एबसैन एज लॉन्ग एज ही लिव दैट वुड प्रो ऑक्यूपाई एबसैन एज लॉन्ग एज ही लोंग जब तक एबसेन रहेगा तब तक वो इसके जो वे हैं कैरेक्टर वो एबसेन के नाम से जाने जाएंगे इन 1850 यानी कि ये लगाओ द रिवेलियस हीरो कैटेलना का जो विद्रोही नायक है और उसकी विनाशकारी प्रेमिका दैट वुड प्रो ऑक्यूपाई प्रो प्रो ऑक्यूपाई मतलब पूर्व अधिकृत हैं पहले से ही अधिकृत हैं एफसैन के लिए कि एज लोंग एज जब तक वो रहेगा एफसैन को जाना जाएगा किन से उन लोगों से इन 1850 फिफ्टी ही बैन टू क्रिस्टीनिया वो क्रिस्टीनिया वापस गए सिंस 1925 ट्वेंटी इट्स ओल्डर नेम ऑफ ओस्लो 1925 तक ये अपने जो पुराने नाम है असलो उस उससे जाना जाता था स्टडीड फोर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो और वहाँ उसने प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी की अध्ययन किया एंड सेटल्ड इन टू स्टूडेंट क्वार्टर और स्टूडेंट के जो क्वार्टर मिलते हैं रूम्स मिलते हैं उनमें सेट हो गया दो नॉट इंटू क्लासेज हालांकि वो क्लास नहीं लेता था फोर थिएटर फोर द थिएटर वाज इन इज़ ब्लड क्योंकि थिएटर उसकी रक्त में था लहू में था नाटक दो नाट इंटू क्लासेज हालांकि वो क्लासों में नहीं जाता था कक्षाओं में नहीं जाता फोर द थिएटर वाज इन इज़ ब्लड क्योंकि नाटक उसकी लहू में था रक्त में था कहते हैं ना किसी के अंदर जन्म जात गुण होता है कोई जन्म जात सिंगर होता है कोई जन्मजात स्पोर्ट्स पर्सन होता है कोई जन्मजात ऐसा होता है कि हाँ उसके ब्लड में ही है था वो एंड एट द एज ऑफ ओनली ट्वेंटी थ्री गॉड हिमसेल्फ अपॉइंटेड डायरेक्टर एंड प्ले राइट टू ए न्यू थिएटर एट बर्जन और एट द एज ऑफ़ द ओनली ट्वेंटी थ्री लगभग तेईस साल की उम्र में ही गॉड हिम सेल्फ अपॉइंटेड वो उसने अपने आप को नियुक्त कर लिया किस पद तक पहुंच गया डायरेक्टर निर्देशक एंड प्ले राइट और एक नाटककार के रूप में टू ए न्यू थिएटर एक नया रंगमंच था वर्जन में वर्जन में एक नए थिएटर में अपने आप को डायरेक्टर ऑफ ड्रामा की पोस्ट वहाँ तक पहुँच गई इन विच कैपेसिटी ही हैड टू राइट ए न्यू प्ले एवरी ईयर और इन विच उसके अंदर कैपेसिटी इतनी थी कि ही हैड टू राइट उसको लिखने पड़े ए न्यू प्ले एवरी ईयर हर साल वो एक नया नाटक लिखता था दिस वॉज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ए यंग मैन ईगर टू वर्क इन ड्रामा बट इट ब्रॉट इप्स एन अपेंस्ट ए रेंज ऑफ फियर सम प्रॉब्लम ही वॉज इल इक्विप्ड टू हैंडल दिस वाज़ ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ये वाकई में एक आश्चर्यजनक अवसर था फोरे यंग मैन एक नौजवान के लिए ईगर टू वर्क जो काम करने में उत्सुक था ईगर कहते हैं जिसको काम करने की ललक हो उत्साही उत्सुक रहने वाला ईगर टू वर्क इन ड्रामा नाटकों में काम करना दिस वाज़ ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और ये वाकई में एक सुनहरा अवसर था एक आश्चर्यचक जनक अवसर था ए यंग मैन एक नौजवान के लिए जो कि काम करने में उत्सुक है इन ड्रामा नाटकों में काम करने के लिए जो उत्सुक था बट इट ब्रॉट एफ सैन अप अगेंस्ट ए रेंज ऑफ फियरसम लेकिन कुछ इट ब्रॉट एफ सैन अप लेकिन कुछ चीज़ें ब्रॉट एफ सैन अप अगेंस्ट ए रेंज ऑफ फीयरसम इसके विपरीत में एफ को बहुत सारी एक फियरसम भयानक समस्याएँ उसके सामने आ गई ही वॉज ऑल इक्विप्ड टू हैंडल जिनको वो हैंडल करने में कैसा था इक्विप्ड गैर संसाधन उसके पास इतने संसाधन नहीं थे डायरेक्टर तो बन गया वो थिएटर का और उसके लिए उसको हर साल एक नाटक भी लिखना पड़ता था लेकिन वो क्या हो गया था ये जो अवसर था उसके लिए इट ब्रॉड अगेंस्ट ए रेंज ऑफ फियरसम प्रॉब्लम उसके सामने बहुत सारी बेहद भयानक समस्याएं आने लग गई जिसके लिए वो क्या पूरी तरह से संसाधन नहीं थे उसके पास इन द मेडाइवल आइस लैंडिंग सागाज़ नॉर्वे डे हीरोइक हीरोस्टीरियर लिटरेचर ऑफ यूनिक मैग्निफिकेंस इन द मेडाइवल आइस लैंडिक सागाज मध्यकालीन आइसलैंड के जो सागाज़ थे उस समय के नॉर्वे पजेस्ट हीरो नॉर्वे के अंदर एक नायकी नायकीपूर्ण ऑस्टियर लिटरे और लिटरेचर ऑफ़ यूनिक मैग्निफिकेंस एक अद्वितीय महत्वपूर्ण लिटरेचर थी नॉर्वे के पास बट द स्टेज ऑन विच दीज मटेरियल सेट टू बी सेट बाज देन डोमिनेटेड बाय द ड्राइंग रूम ड्रामा ऑफ फ्रेंच प्ले राइट लेकिन बट स्टेज ऑन विज दटीरियल है टू बी सेट जिस स्टेज पर ये जो सामान सेट होता था देन डोमिनेटेड बाय ड्राइंग रूम ड्रामा ऑफ फ्रेंच बाद में इन पर डोमिनेंट प्रभुत्व किसने जमा लिया जो फ्रेंच ड्रामा थे जो ड्राइंग रूम तक सीमित रहते थे ड्राइंग रूम भोजन कक्ष वगैरह और इन तक यानी फैमिली ड्रामा में वो कन्वर्ट हो गए जिन स्क्राइब ये फ्रेंच प्ले है तो बाद में क्या है कि ये मेडाइवल आइसलैंड जो मध्यवर्ती जो आइसलैंडिक भूमिया थी उनमें नॉर्वे प्रोजेस्ट हीरोइक ऑस्ट्री लिटरेचर नॉर्वे जो देश था उसके अंदर एक वाकई में एक यूनिक अद्वितीय महत्वपूर्ण ऐसी लिटरेचर थी ऐसा साहित्य था बट द स्टेज ऑन विच दीज मटेरियल्स हैड टू बी सेट लेकिन जिन रंगमंचों पर इस प्रकार की जो वस्तुएं हैड टू वी सेट सेट होनी थी बाज डोमिनेटेड बाई ड्राॅइंग रूम उन पर कब्जा कर लिया यानी कि फ्रेंच प्ले राइट्सों ने आकर उनको ड्राॅइंग रूम तक वो कर दी जैसे ईजन स्क्राइब एंड बाय द एक्टर्स एक्टिंग ट्रेडिशन और उसके बाद में ईजुन स्क्राइब एंड बाय द एक्टर्स अभिनेताओं द्वारा एक्टिंग ट्रेडिशन और अभिनय की जो परंपराएं थी एंड लैंग्वेज ऑफ डेनमार्क आउट ऑफ दीज मटेरियल्स और लैंडमार्क की जो भाषा है आउट ऑफ दीज मटेरियल्स यंग इबसेन वाज आस्क टू क्रिएट ए नेशनल ड्रामा आउट ऑफ दीज मटेरियल्स इन मटेरियल्स के अलावा यंग वाज़ आस्क टू क्रिएट ए नेशनल ड्रामा इफसेन को कहा गया कि तू एक राष्ट्रीय ड्रामा लिख ये नेक्स्ट क्लास में इफसैन का कैरेक्टर आगे हम जारी रखेंगे थैंक यू